ना मांगे अपनी राय दे सकता हूँ एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते कि किसान आंदोलन बिना किसानों के मांग किए हुए बिल जो पास हुई है उस बिल को अविलंब वापस ले लेना चाहिए, और अगर कोई और किसानों को धनी बनाना है 2021-22 1 जनवरी को तो उनसे सहमति करके नया बिल ले आ करके उनको धनी बनाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। इस बिल से निश्चित रूप से किसान समाप्त हो जाएंगे थोड़े दिन में, इस बिल को वापस ले लेना चाहिए और किसानों के खून से सरकार को नहाने की आदत बंद करना चाहिए। आबादी के अनुसार बेरोजगारों की संख्या के अनुसार नए पदों को सृजित किया जाए, सारे पद खाली हैं। आज मैं यही आप सब लोगों से कहूंगा और एक बार सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप बड़े मन से छात्र के हित में, बेरोजगार के हित में, किसान के हित में, कानून व्यवस्था के हित में, नारी के मान सम्मान और आबरू बचाने के हित में आप बड़ा से बड़ा कदम उठाएं, और जुमलेबाजी की भाषा बंद होनी चाहिए। तथ्यगत भाषण दे करके जनता को राहत देने की कृपा करें, यही मेरा अनुरोध है। दिया जा रहा है एनजीओ जो शासन के अधिकारी हैं, एनजीओ वालों से करोड़ों रुपया ले ले रहे हैं। 10 मिनट के लिए वेबसाइट ऑन होती है, फिर वेबसाइट बंद कर दी गई। एनजीओ वाला 3-3 लाख रुपया लेकर सूची बना रहे हैं, 15-15 हज़ार पर ज्वाइन कराएंगे और 15 हज़ार में से 7,500 रुपये महीना लेते जाएंगे। क्यों नहीं खाली पदों पर अस्थाई भर्ती की जा रही है? क्यों बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्यों बेरोजगारों को मारने के लिए सरकार तुली हुई है? यह यक्ष प्रश्न नहीं है, यह साफ प्रश्न दिख रहा है। बेरोजगारों को आबादी के अनुसार जिस संख्या आबादी बढ़ी है नए पद भी सृजित किए जाएं, अब पुराने सारे पद यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, प्राइमरी स्कूल में, ऑफिसों में, रेलवे में, हर जगह खाली पदों को भरा जाए, मानदेय की प्रथा समाप्त की जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, आज बेरोजगार टूट चुका है, बेरोजगार करा रहा है, बेरोजगार के पास कोई काम नहीं है। नौकरी का झूठा आश्वासन दिया जाता है और मानदेय पर भी नहीं, डेली वेजेज पर लोग रखे जा रहे हैं। जब चाहता है एनजीओ वाला निकाल कर बाहर करता है, जितना चाहता है वसूली करता है। ये कौन करा रहा है? कोई सोए में नहीं कर रहा है, जान बूझ करके लाली पाक फेंक करके बेरोजगारों को तबाह करने का रोजगार है। 15,000 में कौन जी लेगा? उसमें भी 7,500 वही ले लेता है, सब अधिकारी लोग बांटते हैं उनसे। ये कौन नहीं जान रहा है? कौन नुमाइंदा नहीं जान रहा है? नहीं जान रहा है तो क्यों राजनीति में हो, क्यों सरकार चलाते हो अनावश्यक रूप से?